हाय दोस्तों, टाइगर 3 के बारे में बात करेंगे। आज का कलेक्शन कितना हो सकता है उसके बारे में। हो सकता है कि हम ये मतलब ये बोलूँ मैं कि मंडे को जो रफ डाटा देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा लेस देखने को मिला है। ऑब्वियसली द मूवी इज़ ऑलरेडी हिट, ब्लॉकबस्टर का टैग मिलना मुश्किल है, बट स्टिल ओवरऑल जो हेटर्स चाहते थे कि मूवी फ्लॉप हो, एवरेज जाए, सेमी हिट भी नहीं, एवरेज डिज़ास्टर ही चाहते थे, फ्लॉप या डिज़ास्टर, पर हुआ नहीं है। वो बॉक्स ऑफिस इंडिया से भी अब हीट का टैग आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतना निगेटिविटी फैलाने के बाद भी। एनीवेज, अब फिर भी बात करते, देखो कल का अपडेट जो है वो देखने को मिल रहा है 2.7 करोड़ का। ओके, कल का ऑफिशियल कलेक्शन बाय द वे अभी आना बाकी है, लेकिन आज का जो कलेक्शन है भाई वो 2.5 करोड़ आ सकता है। अगर 2.5 करोड़ आता है तो 275.5 करोड़ हमें देखने को मिलेगा, वो भी नेट कलेक्शन हिंदी तमिल तेलुगु मिला के। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ हिंदी की बात करनी है तो ये 268 करोड़ से लेकर 269 करोड़ के बीच में हमें इसका हिंदी कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसका टारगेट ये होना चाहिए कि क्या ये 300 करोड़ हिंदी तमिल तेलुगु शायद कर भी ले, पर उसको रफ्तार रखनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि एनिमल और सैम बहादुर आने के बाद ये शायद बहुत स्लो हो जाए, तो ऐसे में अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जो कि चांसेस है, क्योंकि आप कितना भी बोलो कि भाई सिंगल स्क्रीन्स में रहेगी, सिंगल स्क्रीन्स पे नहीं रहेगी भाई, एनिमल भी सिंगल स्क्रीन्स पे भी चलने वाली है, तो इशू वही है, इसके स्क्रीन्स कितने रहते हैं उस पर डिपेंड है। मैं 300 करोड़ की बात कर रहा हूँ, मूवी हीट है वो बात नहीं चल रही है पे, इट इज़ ऑलरेडी हीट और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दे दिया हीट का टैग। वो सलमान के फैंस को वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बात ये है, वो बोलते ना एक माइलस्टोन करना है या नहीं, तो 300 करोड़ वाले पे ये अटक जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं अभी, आज का अगर ऐड कर ले तो 275 करोड़, लेकिन अभी भी ये 25 करोड़ हिंदी तमिल तेलुगु में 300 करोड़ करने के लिए अभी भी लगभग, आज का अगर सही जाता है प्रडिक्शन तो 25 करोड़ दूर है कल से, वो एक कंसर्न की बात है। एनीवेज कोई नहीं, मूवी तो हिट है, पर हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या लगता है जाएगी या नहीं कमेंट्स में बताइए।